अच्छा लग रहा है। देश के लिए सिल्वर जीतना हमेशा गर्व और खुशी की बात है, और इस बार पैरालंपिक में टोक्यो से बेहतर परफॉर्मेंस हमारे खिलाड़ियों ने किया है, और मैंने भी अपने परफॉर्मेंस को रिपीट किया है। सिल्वर मिला अच्छा है, गोल्ड मिलता तो शायद और अच्छा होता, बट देन वही जिंदगी है, तो कभी हार कभी जीत लगी रहती है, और अच्छा लगता है। आई थिंक जिस तरह से कंटिन्यूसली स्पोर्टिंग कल्चर को भारत में बढ़ावा मिल रही है, और लोग भी जिस तरह से उत्सुक है ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स को लेके, मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी जो युवक और युवतियां स्पोर्ट्स को भी एक एज ए प्रोफेशन लेंगे, और मेरा ये मानना है कि आप प्रोफेशन ना भी लें, हर व्यक्ति को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए प्रतिदिन एक घंटे के लिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि इस बार पैरालंपिक्स में पिछले बार के सापेक्ष ऑलरेडी पार तो हम कर लिए हैं, और 25 मेडल की टाली होने की उम्मीद है। हमेशा कोशिश यही, जो मेरा व्यक्तिगत आशा यह है, इस बार 25 से 30 मेडल लेने की उम्मीद है, और जब तक वो ये जो 25 है ये 50 हो जाए, और जब तक भारत ओलंपिक और पैरालंपिक को होस्ट करेगी तब तक हम 3 डिजिट में पहुंच जाए, तो हमें, मुझे लगता है कि ये लक्ष्य रखते हुए काम करनी चाहिए। इसी तरह बहुत सारे इवेंट्स हैं जहां पे पैरालंपिक में हम अगर इस बार क्वालिफाई नहीं किए हैं, अगले ओलंपिक्स में कोशिश करें कि वहां क्वालिफाई हो और आगे मेडल भी आए।